पता है जब फ्राइडे की शाम हो और तुम अकेले घर बैठे एडिट कर रहे हो और अचानक कॉल आती है कि भाई कैंपिंग चलोगे, और तुमने जमीन पर सोने और सांपों के बारे में सोचकर भी हाँ कर दी, तो क्या सही तो किया। लाइफ में पहली बार कैंपिंग करने वाला हूँ तो क्या क्या ले जाना है इसका ज़्यादा आइडिया तो है नहीं, लेकिन ट्रिप एक दिन की है तो टी शर्ट, ट्रैक्स, मास्क, कैमरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चार्जर। इसे मिस कर दी तो पूरा मूड खराब। और दोपहर के 12 बज रहे हैं एंड अलीबाग के लिए फेरी निकलती है गेटवे से। फेरी इज फ्रॉम मुंबई टू मांडवा, और मांडवा किसकी है? चौहान। एंड ये जो ट्रिप है मैं कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड अमन के साथ, एंड हम ट्रैवल कर रहे हैं विद द ट्रैवल थॉन टूर्स। गेटवे से व्हेनेवर यू ट्रैवल टू अलीबाग और मांडवा ना, यू हैव अ फ्यू ऑप्शंस कि आप बोट कौन सा ले डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड द साइज ऑफ इट। देयर इज द स्मॉलेस्ट बोट, द मिड साइज वंस, द फास्टेस्ट एंड द बिगेस्ट फिश इन द सी। एंड सिंस हम ट्रैवल थॉन टूर्स के साथ जा रहे हैं, वील बी फेयरिंग ऑन द मिड साइज ऑप्शन मालदार। So after so many months lockdown ke baad ye pehli baar hai that I'm actually close to being on a ferry, and andar aate hi there is a small sanitization spray jisse aap guzarte ho. So ye boat pe na like the different sections over here, there is an AC section as well. Upar ka jo section hai uske alag rates hai, jo normal rates hai is about 140. Jo upper section pe hum hai that costs around 190 or something like that. The reason we are being here is obviously because of the view. And the boat started. Let me show you the view. हम लोग रीच कर चुके हैं यहाँ पर मांडवा जेटी पे, एंड हम लोग को लगभग ना वन एंड हाफ आवर लगा। द राइड वॉज नाइस, लाइक थोड़ा क्राउड है बट लाइक धूप जो है ना आज बहुत ही ज़्यादा है। आज थोड़ा अगर ओवरकास्ट होता ना तो बहुत ज़्यादा सही होता, बट यू नाउ रीच टू वेयर, एंड फ्रॉम हियर टू द बीच आई थिंक इट्स अबाउट अ आवर्स ड्राइव और समथिंग लाइक दैट, एंड वी गोना गेट अप राइट नाउ। एक बार आप मांडवा पहुंचते हो ना सो यू टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन हियर। इट इज सच अ ब्यूटिफुली मेंटेन्ड पोर्ट, एंड यहाँ का जो फील है ना वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल है। द बीच दैट वी आर गोइंग टू इज रेवदंदा बीच, एंड आप यहाँ मांडवा से वहां डायरेक्टली भी जा सकते हो वाया दीज कार्स एंड रिक्शास, लेकिन जो चार्ज होगा ना वो 1000 रुपए से ज्यादा होगा। सिंस ट्रैवलथॉन का पूरा ग्रुप है, वी आर ट्रैवलिंग टू अलीबाग सिटी वाया द फेरी बस, एंड फिर वहां जाके ये टुक टुक लेंगे टू द बीच, और टुक टुक के सामने बैठकर टूरिस्ट वाली फीलिंग लेना इज अ मस्ट। में कोई डाउट नहीं कि फॉर द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द राइड ऑन द टुकटुक आई हैव बीन ऑन द एज ऑफ माय सीट क्वाइट लिटरली, एंड हियर वी आर रीचिंग द बीच, एंड ये मेरे लिए ना काफी नया है बिकॉज कैंपिंग मैंने कभी एक्सपीरियंस की नहीं, एंड इतने सारे टेंट्स एक साथ देखना थोड़ा ओवरवेलमिंग है, लेकिन इस बात की तो टेंशन नहीं कि आप यहां अकेले हो। खुल जा। ये एक्चुअली ना तेको पता है कि मेरा पहली टाइम है कि मैं कोई टेंट में रहा हूं। मेरा भी लास्ट वीक फर्स्ट टाइम था। मेरा सेकंड टाइम है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली स्कॉलरली स्टेइंग इन अ टेंट, एंड इट फील्स क्वाइट ऑसम बिकॉज़ वी हैव द बीच राइट इन फ्रंट ऑफ अस। लाइक ये जो टेंट्स है ना काफी बड़े हैं, लाइक दो लोग तो आराम से फिट हो जाएंगे, और ये जो बेडिंग कुशन है ना दे ऑल लुक क्लीन एंड वॉश्ड,
एंड द टेंट इज ऑल्सो सैनिटाइज्ड बिफोर आवर अराइवल। वी जस्ट रीच्ड हियर, अभी थोड़ा चिल करेंगे, बहुत ज्यादा थकने हो गया था तो अभी फिलहाल तो हम लोग जस्ट थोड़ा रेस्ट करने वाले हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। अब ये जो कैंप साइट है, द ट्रैवल, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ट्रैवलथॉन ग्रुप एंड ऑनेस्टली कहूँ ना, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। मैंने सोचा नहीं था ये इतना कूल होगा। आई हैड द चांस ऑफ इंटरेक्टिंग विद देयर फाउंडिंग टीम एंड मेंबर्स अक्षय, जानवी, हर्ष। ये लोगों ने सारा कुछ अरेंज कर लिया था, दे टुक केयर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड बाय द एंड ऑफ द ट्रिप वी वर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। यहाँ का जो खाना है, द फूड विच इज इंक्लूडेड इन योर पैकेज, इज नथिंग फैंसी बट इट्स डिसेंट इनफ एंड क्वाइट क्लीन। एंड जब आप यहाँ पर पहुँचते हो, इवनिंग में यू गेट योर स्नैक्स एंड रात में अलॉन्ग विद द डिनर देर इज बारबेक्यू इज वेल, बोथ वेज एंड नॉन वेज। अगले दिन सुबह देर इज अ सिंपल ब्रेकफास्ट बिफोर यू लीव। बट आई फील द पॉइंट हियर इज टू जस्ट हैव अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, अपने गैंग के साथ मस्ती करना एंड स्पेंड एन अमेजिंग इवनिंग एट द बीच। अभी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो चुके हैं, लाइक वी हैड स्नैक्स लाइक मिसल पाव है ना, तो चाय वाय पी रहे हैं, अपन भी चाय पी रहे हैं अभी यहाँ पर। एंड द बीच इज वेरी नाइस। हाँ, यहाँ का जो एक्चुअली देखा जाए ना, ये जो एरिया ये लोग ने जो मेनटेन भी किया है काफ़ी, मुझे लगता है लाइक इट्स केप्ट वेरी क्लीन। एंड बिहाइंड मी इज द कैंप साइट, जस्ट जा रहे टुवर्ड्स द सी फॉर अ वॉक। इट्स अ प्रीटी गुड थिंग दैट दे आर ऑर्गेनाइज्ड ओवर हियर एंड फॉर 1500 वर्थ इट। बहुत अच्छा है यार। नहीं, विद ट्रैवल इट्स 2100। विद ट्रैवल इज 2100। Only this area में रहने का is 1500. हाँ, तो रहने का is the stay is like 1500. It's good. It's pretty decent and you can really have a good time because यहाँ पर इतना ज़्यादा crowd भी नहीं है अभी currently. करंटली मैं हूँ एट द रेवदंदा बीच हियर इन अलीबाग एंड ये जो कैंप साइट है इज ऑन दिस बीच। आई एम हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम जस्ट बीइंग अराउंड दिस बीच। जस्ट अभी स्ट्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, सीइंग दिस बोट्स, टेकिंग पिक्चर्स एंड ऑल। एंड कैंप साइट में ना, देर इज अ मिक्स ऑफ पीपल अराउंड हियर, देर इज यूथ, थोड़े बहुत फैमिलीज भी है, सो एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम। वी आर गोना गो हेड बैक टू द कैंप साइट नाउ बिकॉज कुछ गेम्स वेम्स सब वहाँ कुछ होने वाले हैं। वी आर गोना गो चेक दिस आउट। जनरली इन कैंप्स में लोग गेम्स खेलते हैं लाइक कार्ड्स, इन एंड आउट, पासिंग द पार्सल एंड ऑल, लेकिन हमारा जो ग्रुप था उन्होंने पहले से ही एकदम पक्की तैयारी कर रखी थी। हम खेलने वाले थे द बाप ऑफ ऑल गेम्स, टग ऑफ वॉर। गेम्स खेलने के बाद ना, सारे ही थक कर अपने ही धुन में थे, बट नथिंग ब्रिंग्स पीपल बैक टू लाइफ मोर देन म्यूजिक। प्लीज डू सिट यू भैया, प्लीज आ जाओ। संभला पवा टूट गया। बीच पे लाइव म्यूजिक एंड अ क्राउड ग्रूविंग टू इट, दैट्स समथिंग रियली स्पेशल। एंड फिर ना, लोग रुकते नहीं है चाहे जो भी हो जाए, इवन अ शॉर्ट पावर कट। रात के 3:30 बज रहे एंड वी वर जस्ट चिलिंग एंड टॉकिंग टू पीपल अराउंड एंड जस्ट एंजॉइंग द वेदर आउटसाइड। एंड इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, पूरे टेंट से मैंने बताया ऑलरेडी पूरे मॉइस्चर से है एंड वी आर अबाउट टू गो टू स्लीप। अमन, नाउ यू कैन फाइनली कम इनसाइड। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर द शॉट।
जैसे ही सुबह होती है, एंड ये कोई ऐसी वैसी सुबह नहीं है, यू आर एक्चुअली वेकिंग अप राइट देयर ऑन द बीच. एंड फिर धीरे धीरे द फीलिंग ग्रिप्स यू कि दैट्स इट, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम. बट कल से आज इस मोमेंट तक टाइम कहां, क्यों, कब, कैसे गया, इसका कुछ आइडिया नहीं. कुछ आइडिया है, कुछ याद है, तो ये स्टोरी जो शुरू हुई फ्राइडे नाइट से.